नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और चने के दाल की पूरी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है। बेसन की चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह है तो मुंबई का फेमस, समोसे के साथ मुंबई में मिलता है, पर आप पूरी के साथ एक बार बनाकर खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ या राइस के साथ भी खाने लग जाएंगे। तो मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए देर ना करते हुए चलते हैं बनाने। बेसन की चटपटी चटनी बनाने के लिए 1/4 कप लिया है बेसन। 2 पिंच हल्दी डाल देंगे और 2 कप पानी ले लेंगे। 2 कप पानी डाल के मिक्स करना है, पर शुरुआत में थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन का लम्स नहीं निकलेगा। तो बेसन अच्छे से घोल लिया है और ये 1 कप पूरा डाल दिया। 2 कप भी मिक्स कर देंगे। अब इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। अब ले लिया है एक कढ़ाई, गैस ऑन कर दिया है और इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तेल बहुत कम डलता है इस चटनी में। तेल गर्म होते ही डाल देंगे इसमें राई, जीरा। जीरा तड़कने के बाद डाल देंगे इसमें चना का दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच उड़द का दाल। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो दालें डाली है ना, ये अच्छी तरह से भून जाना चाहिए गुलाबी होने तक। इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और डाल देंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सबको भून लेंगे अच्छी तरह से, इसे सुनहरा कर लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन अच्छी तरह से भूनते हैं ना, तो इसका फ्लेवर चटनी में बहुत अच्छा आता है। और डाल देंगे हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार। दाल, लहसुन, अदरक सभी अच्छी तरह से भून गए हैं, इसका फ्लेवर आयल में आ गया है। तो एक प्याज लंबा सा चॉप किया हुआ, लंबाई में चॉप किया हुआ ले लिया है। थोड़ा सॉफ्ट होने तक प्याज को पका लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है। और 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ ले लेंगे। अब डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने से प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। पूरी चटनी के लिए डाला है मैंने। मुंबई में इस चटनी को समोसे के साथ खाई जाती है, पर मैं आज बनाऊंगी बहुत ही अच्छा टेस्टी दाल और आलू की पूरी, उसी के साथ इस चटनी को खाने वाले हैं। बहुत मज़े की बनती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से बनाकर देखना। जो प्याज है सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर भी गल गए हैं, तो इसमें जो बेसन का घोल बना करके रखा था उसे एक बार फिर से चला लेंगे, और चलाने के बाद उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसलिए चला लेंगे क्योंकि वो नीचे बैठ जाते हैं, चला देने से सारा घुल जाएगा। और इसे बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से चलाते रहेंगे तो चिपक सकता है। इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक सके। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगते हैं, तो देखिए जैसे ही अभी उबलेगा ना, तो देखिएगा कि ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा। चटनी में बॉयल आ गया है और इसे इसी तरह से चलाते हुए 7 से 8 मिनट पका लेंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल सिल्की और शाइनी सी होने लग गई है, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो इस समय हल्का सा खटास के लिए डाल देंगे लेमन जूस। बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं ये तैयार। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और ये गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारी चटनी तैयार हो गई है, गैस बंद करके इसे उतार लेंगे। 1/4 कप मैंने 3-4 घंटा पहले चने की दाल फूलने डाल दी थी भीगने। देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं ये। और 1 छोटा सा आलू ले लिया है, इसे छील लिया है, छील कर इसे बारीक बारीक काट लेंगे। आलू को मैंने धो लिया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, और ये एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और ये चना दाल जो भिगोया है ये भी डाल देंगे। पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे
और बिल्कुल फाइन पीसना है। एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे, दो चम्मच भर ले लेंगे सूजी, बारीक वाली सूजी हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी कलौंजी ले लेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ले लेंगे, यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कलर के लिए एक पिंच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। एक बार ऐसे ही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो पेस्ट बना करके रखा था आलू और दाल का, इसी से डो बनाएंगे, तो ये इससे कम पड़ेगा, तब हम पानी डालेंगे, वरना हम इसी से बनाएंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से डो लगे। डो थोड़ा सा टाइट लगाना है, लगा लिया हाथों में, थोड़ा सा तेल लगा लिया है, उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से कोट कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे डो को एक बार और मिला लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा टाइट, देखिए इस तरह से है, ऐसे ही रखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा खस्ता और क्रंची बनेगा। तो इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे पूरी के लिए। तो ये छोटा सा लोई लेकर के इस तरह से गोला कर लेंगे, और देखिए इस तरह से दबा दिया है। और इसमें और भी ज़्यादा क्रंची, और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद तिल। ये देखिए, आप इसकी जगह पे काला तिल भी ले सकते हैं, वो भी उतने ही फायदेमंद होते हैं। ये देखने में सफ़ेद लगेंगे, वो काले काले लगेंगे। तो इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर चिपका देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे आप इसे गोल बेल सकते हैं या अंडाकार भी बेल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है। पूरी वैसा बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज कर करके देने से बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से बेल लिया है मैंने, इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बेल बेल कर रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल करके चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ऊपर तुरंत से आ गया, इसके मतलब अच्छा गर्म हो गया है। तो ये बेली हुई जो पूड़ियाँ हैं इसे डालेंगे गर्म तेल में। देखिए अच्छी तरह से फूल गई है, अब इसे एक तरफ से पलट देंगे, एक तरफ से क्रिस्प लग रहे हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो तिल है ना, जब आप खाएंगे मुंह में जाएगा तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसकी वजह से और भी ज़्यादा क्रंची बन जाता है। तो इसी तरह से और भी पूरियाँ बना लेंगे। डो जब अच्छे से बनाएंगे ना तो आपकी सारी पूरियाँ फूली फूली बनेगी। तो दोनों तरफ से अच्छे से क्रंच हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। देखिए सारी पूरियाँ फूली फूली बन रही हैं। देखिए बाकी की पूरियाँ भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए फूली फूली बिल्कुल क्रंची सी पूरियाँ हमारी बन करके हो गई है तैयार। तो एक पूरी तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा क्रंच है, बहुत अच्छा से बना है, क्रिस्पी बनता है। इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छे से फूली फूली सी बनी है पूरियाँ। तो अब चटनी भी कर लेते हैं सर्व, जो मैंने चटनी बनाई हुई थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें डाल देंगे एक लाल मिर्ची, इसे भी थोड़ा सा क्रिस्प कर लेंगे, और करी पत्ते थोड़ी से डाल देंगे। इसको तोड़ करके डाल रही हूँ, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस डाल देंगे चटनी के ऊपर, तो देखिए हमारा ये बन करके तैयार हो गया। आप इसे लंच में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं या डिनर में खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, या बच्चों को लंच में भी ऐसी पूरियां बना करके दे सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।